लोकसभा से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष को एक मंच पर लाने की लगातार कोशिश हो रही है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या करना है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज से पहले देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया, यह पहली बार है जब इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने राहुल गांधी के समर्थन में हुए प्रदर्शन में शामिल न होने पर भार मुक्त किए गए पदाधिकारियों को लेकर बयान दिया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आला कमान को इस बारे में विचार करना चाहिए, एक दिन पहले फोन करने पर अगले दिन पदाधिकारी नहीं पहुंच सके, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के पास संसाधन भी नहीं होते, ऐसे में उन्हें इसके लिए समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने आला कमान से आग्रह किया है कि इस बारे में पुनः विचार किया जाए। मैंने तो अपनी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही बात कही है कि ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, और जिस तरीके का बर्ताव इन्होंने एक चुने हुए सदस्य के साथ किया है वो हमने ना कभी इतिहास में पढ़ा, ना कभी देखा, ना कभी सुना। ये जो हुआ है ये बहुत ही एक दर्दनाक घटना है, और जैसा मैंने आपको कहा कि केवल कांग्रेस ही नहीं, इसमें 18 दल के लोग हमारे साथ चले हैं, और हमने इसका प्रदर्शन भी किया। अभी जो पार्लियामेंट चल रही थी, हमने सब ने जाकर विजय चौक तक इसका प्रदर्शन किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया हमारे खड़गे जी ने, और उन्होंने भी ये बात प्रेस के सामने रखी है। तो अब हम ये चाहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष में अपने अपने इलाके में जाकर ये बात लोगों के सामने रखेंगे और लोगों को बोलेंगे कि किस तरीके का बर्ताव हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैम, जिस तरह से जो राष्ट्रीय कार्यक्रम को उसमें यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं पहुंच पाए, तो उसको लेकर भी जो है वो एक्शन लिया गया, क्या लगता है? देखिए, वो टाइम बहुत कम था, आपको थोड़ा उनको टाइम देना पड़ता था कि जी हम इतने दिन के अंदर करने, आपने आज फोन किया, आप चाहते कल आप आ जाओ, तो मे भी कई नहीं कर पाए, नहीं आ पाए, तो और तुरंत उन्होंने इसके ऊपर एक्शन ले लिया। बट डेफिनेटली इट विल गिव देम टाइम कि आप वो आकर अपनी बात रखेंगे, बताएंगे कि किन कारण वजह से वो पहुंच नहीं पाए। क्या इस पे पुनर्विचार करना चाहिए जो आप कह रही है कि उनको समय नहीं दिया, उनके ऊपर सीधी कार्रवाई? हां बिल्कुल बिल्कुल, व्हाई नॉट, वी डोंट बिलीव कि एकदम आप कोई एक्शन लो और तुरंत उसकी कार्रवाई हो। हम ये चाहते हैं कि ठीक है, आपने बुलाव एक कॉल दी और लोगों को बोला, यूथ को बोला कि आप ये जो एक मुहिम चली हुई है इसमें भाग लेने के लिए आप तुरंत दिल्ली पहुंचो। अब सभी के पास कभी साधन की कमी है, कभी आने में 100 दिखते हैं, उसका भी तो आदमी को जुगाड़ करना पड़ता है तभी वो पहुंच पाता है। बट इसमें इतना कम टाइम था कि लोग पहुंच नहीं पाए और अपनी बात नहीं कह पाए, और उन्होंने एक्शन लिया, तो आई थिंक इट हैज गिवन अस टाइम, उनकी बात को अवश्य सुना जाएगा, पुनर् उस पर विचार किया जाएगा। थैंक यू। न्यूज डेस्क N1 लाइव।